हेलो, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इधर लेखक है और ये उनके द्वारा जो ग्रंथ हैं, कृतियां हैं, वो हैं लक्ष्मीधर। ये दंत शास्त्रकार थे, हालांकि ये मंत्री भी थे। और इनके ग्रंथ का नाम कल्पतरु है। इसको कृत्य कल्पतरु भी कहते हैं, कल्पद्रुम भी कहते हैं, कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और ये एक बड़ा ह्यूज डाइजेस्ट था, एक बड़ा ही ग्रंथ था। और संपूर्ण रूप से इसकी अभी हमको उपलब्ध नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा व्यापक ग्रंथ था, ये वृहत ग्रंथ था। और इसकी संपूर्ण जो एक कॉपी है, कंप्लीट कॉपी इसकी प्राप्त नहीं हुई। और ये जो गहडवाल वंश के शासक थे, गोविंद चंद्र गहडवाल के दरबार से संबंधित थे। और ये मंत्री धर्मशास्त्रकार तो हैं ही है, लेकिन ये मंत्री भी थे। संधि विग्रह ही कहा जाता है इनको, यानी कि प्राचीन भारत में संधि विग्रह वो मंत्री होता था जो विदेशी मामलों, युद्ध या शांति से संबंधित मंत्री था। उसको संधि विग्रहिक कहा जाता था। जीमूतवाहन ये बंगाल के प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार थे। काल विवेक, व्यवहार मातृका और दाय भाग इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन तीनों ही ग्रंथों को, यानी कि काल विवेक, व्यवहार मातृका और दाय भाग को धर्म रत्न के नाम से जाना जाता है। यानी कि धर्म रत्न के तीन भाग हैं, काल विवेक, व्यवहार मातृका और दाय भाग, जिसमें से दाय भाग अक्सर एग्जाम में आती है। जी मोतवान की दाय भाग बहुत फेमस है। और जो है ये जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इनकी जो दाय भाग जो है कृतियाँ बेसिकली श्रेष्ठ मानी जाती है, और बंगाल में ये प्रचलित थी। अच्छा, माध्वाचार्य ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी है, लेकिन यहाँ पराशर माधवीय और काल निर्णय भी आ चुकी है एग्जाम में, और पराशर माधवीय भी आ चुकी है। ये बेसिकली इनका संबंध जो 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर से था, और विजयनगर एम्पायर में वेदों के एक विशेषज्ञ थे, एक विद्वान थे, शायण उनके भाई थे। शायण ये वेदों पर टीका लिखने वाले शायण जो है विजयनगर से थे, उन्हीं के भाई थे माध्वाचार्य। और जो प्रासर माधवी है, बेसिकली प्रासर स्मृति पर एक टिप्पणी है। जैसे मैंने कहा कि शायण के भाई थे और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। 14th सेंचुरी इनका समय है, काल निर्णय एग्जाम में आती है। और प्रासर माधवी क्या है, कमेंट्री ऑन प्रासर स्मृति, शूल वाणी। जीमूतवाहन की तरह ये भी बंगाल के थे। और स्मृति विवेक और दीप कालिका इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। बेसिकली स्मृति विवेक क्या है कि ये इनके 14 ग्रंथों को कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से एक टाइटल दिया गया है, स्मृति विवेक। 14 ग्रंथों का एक समूह कह सकते हैं उसको, सामूहिक रूप से कह सकते हैं स्मृति विवेक। जितने भी 14 ग्रंथ हैं उनमें सबके लास्ट में विवेक शब्द आया है, तो स्मृति विवेक है। दीपकालिका, इससे पहले वीडियो में हमने बताया है, दीपकालिका शूलपाणि की याज्ञवल्क्य के स्मृति पर कमेंट्री है। हमने पहले भी बताया है, जो है कल इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति के जो टीकाकार हैं उसकी शूलपाणि भी उसमें शामिल है। तो शूलपाणि की दीपकालिका क्या है, अ कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति।